फ्रेंड्स, शायद ही कोई वैसा व्यक्ति होगा जिसके पास जीमेल अकाउंट न हो। अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि जीमेल आईडी हैक होने की वजह से सारी प्राइवेसी लीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जीमेल की एक ऐसा सेटिंग बताऊंगा कि किसी के बाप से भी जीमेल अकाउंट हैक नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अपनी फोन की होम स्क्रीन पे हैं और जीमेल आईडी को हैक होने से रोकने के लिए जीमेल में हम टू स्टेप ऑथेंटिकेशन फीचर को इनेबल कर देते हैं, जिससे हमारी जीमेल आईडी कभी हैक ही नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, जीमेल में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन फीचर कैसे लगाते हैं, इसके लिए यहाँ से हम ओपन करते हैं अपने जीमेल एप्स को। और जीमेल एप्स ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना होगा इस कॉर्नर पे, और यहाँ से आप उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आप टू स्टेप ऑथेंटिकेशन फीचर को इनेबल करना चाहते हैं। तो यहाँ से फिलहाल मैं इस जीमेल आईडी में टू स्टेप ऑथेंटिकेशन फीचर को इनेबल करना चाहता हूँ। यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे इसके लिए आपको क्लिक करना होगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, और इसके बाद यहाँ पे आपको इधर से इधर खींचना होगा। जैसे यहाँ पे हम खींच रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है सिक्योरिटी का, सिंपली आप सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिएगा। और इसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आइएगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे टू स्टेप वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, सिंपली आप टू स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा और इस तरह से यहाँ पे आपके ये ब्राउजर में ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना होगा और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा गेट स्टार्टेड। यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड एंटर करना होगा। पासवर्ड डाल देने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। फ्रेंड्स, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब ताकि इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है शो मोर ऑप्शन, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा टेक्स्ट मैसेज और वॉइस कॉल, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपके जीमेल से लिंक मोबाइल नंबर आ जाता है। आप चाहें तो इसे यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट पे। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ जाने के बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट पे ही रहने दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे आपके इस नंबर पे एक OTP आएगा और यहाँ पे आपको डाल के वेरीफाई करना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं OTP आ चुका है। OTP डाल देने के बाद आप सिंपली क्लिक कीजिएगा नेक्स्ट। फाइनली यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे अब हमें ऑप्शन मिल चुका है टर्न ऑन का, तो यहाँ पे अब हम क्लिक कर दे रहे हैं टर्न ऑन। यहाँ से फ्रेंड्स, अब हमारी जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन फीचर इनेबल हो जाती है। अब यहाँ पे होगा क्या कि हमारी कोई जीमेल का आईडी और पासवर्ड भी जान जाएगा फिर भी वो हैक नहीं कर सकता है, क्योंकि जब भी आप अपनी जीमेल के आईडी और पासवर्ड से कहीं पे भी लॉगिन कीजिएगा तो आपके जीमेल से लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा और OTP डालने के बाद ही लॉगिन कर पाइएगा, बाय द वे लॉगिन नहीं हो पाएगा। इस तरह से हमारी जीमेल में एक और सिक्योरिटी क्लियर जुड़ जाती है और हैक होना इम्पॉसिबल सा हो जाता है।